हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। आज की इस वीडियो में हम टेक्नो पोवा 6 प्रो के गेम मोड के फीचर के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। वॉइस चेंजर इसमें देखने को मिलता है या नहीं, एंड गाइस अदर क्या कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं जैसे आईक्यू के डिवाइसेस में मिलते हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को एंड तक, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलरेडी गाइस, तो यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है गेम स्पेस करके। कभी गेम मोड भी ये लोग ऐड कर देते हैं, नाम हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो अभी गेम स्पेस इसमें देखने को मिल रहा है, एंड गाइस यहाँ पे देखेंगे कुछ लुक्स आपको इस टाइप में देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको एक बार टाइप में देखने को मिल रहा है जहाँ पे वाईफाई नेटवर्क जीपीयू सीपीयू टेम्परेचर वगैरह शो कर रहा है, तो वहाँ पे आप सारी जानकारी देख कर ले सकते हैं। यहाँ पे इस प्लस आइकन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी सपोर्टेबल एप्स हैं उनको ऐड और रिमूव कर सकते हैं। फ्री फायर मैक्स ही एक ऐसा ऐप है जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, वो हमेशा ऐड ही रहेगा गेम मोड में। तो स्पेशली फ्री फायर के लिए कस्टमाइज़ किए हैं, बट भाई आगे बताऊंगा कि क्या नुकसान है इससे। ओके गाइस, तो यहाँ पे 3 डॉट देखने को मिल जाता है। ऐप डिटेल में जाकर आप सिंपली जो ऐप डाटा है बेसिकली वो देख सकते हैं, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। नीचे गाइस आपको मिल जाता है हाई बूस्ट करके, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, लाइक परफॉर्मेंस मोड इनेबल कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम मोड ऐड कर सकते हैं। मतलब कि परफॉर्मेंस मोड में जाएंगे तो बैटरी ज़्यादा ड्रेन करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा ड्रेन गेन करेगा बेसिकली, एंड परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करेगा। बट भाई मुझे रियल लाइफ में इसका कोई बेनिफिट नोटिस नहीं हुआ है सच कहूँ तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं, बट आई डोंट नो कि वर्क भी करता ही। बाकी किसी यहाँ पे जीपीयू सेटिंग देखने को मिल जाता है, जीपीयू सेटिंग आप यहाँ पे सभी मैनेज कर सकते हैं, काफ़ी सारे ये सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे इजी कर दिए हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो जो ये आपको देखने को मिल रहा है ना आइकन, इस पर क्लिक करके आप रीड करके खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो ये भी सही देखने को मिल जाता है। अब दोस्त यहाँ पे देखने को मिल जाता है कंट्रोल सेटिंग, जहाँ पे आप स्वाइप सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, टच सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये गाइस काफ़ी यूज़फुल है, आप इसको मैक्स करके यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फ्री फायर में ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहिए तो ये सेटिंग भी अच्छा देखने को मिल जाता है, एंड अभी इन्फिनिक्स के डिवाइसेस में देखने को मिल जा रहा है। बाकी गाइस ये नेटवर्क इन्हांसमेंट देखने को मिल जाता है, नेटवर्क से रिलेटेड है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा हेल्प करेगा गेमिंग करते टाइम वाईफाई और आपके नेटवर्क को मिक्स करके थोड़ा नेटवर्क अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। अब दोस्त यहाँ पे हम आ चुके हैं फ्री फायर मैक्स में, यहाँ पे आपको एक साइड में बार देखने को मिल जाता है, इसके थ्रू यहाँ पे आप गेम मोड के सारे सेटिंग्स को देख सकते हैं। बट यहाँ पे आप सिर्फ लेफ्ट साइड से ही कर सकते हैं, राइट साइड में कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहले गाइस वही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, सबसे पहले कुछ ऐप्स ऐड कर सकते हैं इसमें यूज़ करने के लिए। इसके अलावा गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड, इक्विलिब्रियम मोड जो ऑलरेडी आपको बताया वो सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिल जाता है ये स्क्रीन शॉट वाला बटन, 3 फिंगर से भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे आप गेम का भी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों को एक साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी यूज़फुल है। एंड पहले ये नहीं होता था बट अभी हो रहा है। बाकी 1080p पे ये रिकॉर्डिंग मैक्स सपोर्ट करता है, बट 1080p पे रिकॉर्ड करेंगे तो भाई बहुत ही गंदा फ़ोन चलता है, प्रोसेसर में उतना दम नहीं ना है इस वजह से। तो एंड यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन है, मतलब रिकॉर्डिंग करते टाइम कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिलता है क्लियर मेमोरी जो कि बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं है। ओके चलते हैं गाइस, अब नेक्स्ट वो है गाइस हमारा ब्राइटनेस लॉकिंग, इसको इनेबल कर दीजिएगा तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगा, जितना रहेगा उसी पे स्टक रहेगा। बाकी ऑफ स्क्रीन गेमिंग देखने को मिल जाता है जिसका कोई यूज़ नहीं है, फालतू है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे चलते हैं, तो वो है गाइस ई स्पोर्ट्स ग्रेड मोड, इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे टैप सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा, स्वाइप रिस्पॉन्सिव यहाँ पे मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वही है जो कि आपको ऑलरेडी सेटिंग में दिखा है। गेमिंग आपको करना है तो इसको ज़रूर मैक्स कर लीजिएगा। बाकी बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो दिया है तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिल जाता है हमें गेमिंग टेम्परेचर कंट्रोल, इसका भी हमने टेस्ट किया है बाईपास चार्जिंग में, तो उसमें आप जाकर गेमिंग में देख सकते हैं बेसिकली। ओके चलते हैं गाइस अब नेक्स्ट फीचर की तरफ, सो वो है गाइस हमारा हाइड नोटिफिकेशन। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप चूज कर सकते हैं कैसा आपको चाहिए, यहाँ पे आपको
मतलब रीड होते हुए बैरेज मोड में भी जाने को देखने को मिल जाता है मैसेज। यहाँ पे उसके स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हैं, ओपेसिटी कितना रहा है वो भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसका हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस गेम मोड वाले में टेस्ट किया है, तो यहाँ पे बस मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग समझ ही चुके होंगे। एंड गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो वो है कि इसी में देखने को मिल जाता है डिजेबल स्क्रीन शॉट, नहीं चाहिए आपको थ्री फिंगर से तो वो डिजेबल कर सकते हैं। मिस टच प्रिवेंटेशन देखने को मिल रहा है, उसको इनेबल जरूर से कर लीजिएगा ताकि दो बार स्वाइप अप कीजिएगा तब गेम से बाहर निकलिएगा, वरना एक ही बार में काफ़ी टाइम होता है ना कि गलती से लग जाए हाथ और गेम से बाहर निकल जाते हैं भाई। कि इस नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है टिल्ट कंट्रोल, जो कि भाई आईक्यू के डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं स्पेशियली। अब गाइस ये काफ़ी यूजफुल है, लाइक यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं फ्लिप टू राइट ऐसे करें तो क्या वर्क करें, लेफ्ट करें तो क्या वर्क करें, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग में, फिर इसका जो हुड देखने को मिलता है तो कस्टम मोड में चलेंगे। ओके एंड यहाँ पे आने के बाद अब गेम मोड को इनेबल करेंगे सिंपली, तो यहाँ से इनेबल करके अब चलेंगे टिल्ट कंट्रोल में। ओके एंड यहाँ पे कोई एक हम चूज़ कर लेते हैं लाइक ये वाला, एंड इसको हम रनिंग पे रख देते हैं। ओके और गाइस ये हमारा हो गया रनिंग पे। अब सिंपली यहाँ पे हमको गेम से बाहर, ये बेसिकली हुड से बाहर निकलना होगा। ओके तो यहाँ पे अब मैं आपको गेमिंग करके भी दिखा देता हूँ, ऐसे भी देख सकते हैं अभी भी ये वर्क कर रहा है ऐसे करने पर, टिल्ट करने पर क्लियरली आप देख सकते हैं। ओके चले गई, अब यहाँ पे मैं फ्री फायर में बेसिकली गेम मेड होकर दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं आप जैसे ही मैं कर रहा हूँ टिल्ट ऐसे तो ये रनिंग करने लग जा रहा है। जैसे स्टॉप है ये मैंने किया और रनिंग करने लगा, देख सकते हैं आप क्लियरली काफ़ी मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है एंड काफ़ी फास्ट ये वर्क कर रहा है, तो मतलब सही है, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं गेमिंग करते टाइम, काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। एंड जिनके फिंगर वगैरह में दिक्कत है उनके लिए और इजी हो जाता है ना ये। बाकी नेक्स्ट मिलता है मैजिक बटन, एंड आपको पता है मैजिक बटन एज अ ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं इसके बटन्स को, वॉल्यूम बटन्स को बेसिकली, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये एसुस से लिया हुआ है। ओके अब गाइस यहाँ पे वॉइस चेंजर की बात की जाए तो फ्री फायर में भाई बिल्कुल ही वॉइस चेंजर देखने को नहीं मिलता, जबकि ये गेम मोड स्पेशली फ्री फायर के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। वहीं पर गाइस बीजीएमआई की बात करें, बीजीएमआई में देखने को मिलता है या नहीं, सो गाइस यहाँ पे बीजीएमआई के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज नहीं है, बट इसमें आपको वॉइस चेंजर देखने को मिल रहा है, तो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे चार वॉइस चेंजर मिलता है, मैन वोमैन बॉय गर्ल ऐसा कुछ करके। एंड अब ये वर्क करता है बीजीएमआई में तो स्मूथली वर्क करता है, पहले फ्री फायर में देते थे बट वो मतलब अजीब सा साउंड आता था, अब तो हटा ही दिए, तो फ्री फायर में भी देना चाहिए था। यहाँ पे फ्री फायर के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज किया और उसी में नहीं है, अजीब नहीं है लगता ये। ओके सो दोस्त फिलहाल इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।